अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आइए, आज हम शुरू करते हैं ईद पर एक मज़मून। तो चलिए शुरू करते हैं। हर मज़हब व मिल्लत और कौम व कबीले में खुशी के त्यौहार होते हैं। साल में मुसलमानों में खुशी के 2 दिन आते हैं, एक दिन ईद फित्र का, दूसरा ईद उल अज़हा का। रमज़ान के 30 रोज़ों की कड़ी आजमाइश के बाद ईद का चांद खुशी का पैगाम लेकर आता है। ईद की तैयारियां बहुत दिन पहले से होने लगती हैं। लोग नए नए कपड़े सिलवाते हैं, मकानों की सफाई और सजावट का अहतमाम करते हैं, लेकिन चांद रात की खुशी की बात ही कुछ और होती है। लोगों में अजीब सी खुशी और बेचैनी होती है कि सुबह ईद होगी, कहीं हमारा कोई काम अधूरा ना रह जाए। किसी को दर्जी के यहाँ से कपड़े लाना है, तो किसी को इत्र खरीद कर लाना है, किसी को बच्चों के जूते लाना है। चांद रात को पूरी रात बाजार खुला रहता है। सुबह होते ही सब नहा धोकर कपड़े पहनते हैं और खुशबू लगाकर ईदगाह की तरफ चल देते हैं नमाज अदा करने के लिए। ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने अजीज और दोस्तों से गले मिलते हैं। ईद मिलने में गरीब अमीर, छोटे और बड़े का कोई फर्क नहीं होता है। इससे भाईचारा बढ़ता है। ईदगाह से वापसी पर लोग एक दूसरे के घर मिलने के लिए जाते हैं। जहाँ जाते हैं, मीठी सेवइयाँ, जर्दा, नमकीन वगैरह से खातिर होती हैं। ईद के मौके पर जो अजीज और दोस्त एक दूसरे से दूर हैं, वो मुबारकबाद के तार या ईद कार्ड के जरिए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ईद के दिन बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। नमाज पढ़कर जब वो घर आते हैं, तो घर के सब लोगों से ईदी वसूल करते हैं और सेवइयां खाते हैं। हर चीज़ से बेपरवाह होकर बच्चे खेल कूद और तफरीह में मगन रहते हैं। तफरीह यानी इधर उधर घूमने फिरने में मगन रहते हैं। ईद के दिन कोई बच्चों को ज़्यादा रोकता और टोकता भी नहीं, इसलिए जैसे चाहते हैं पैसे खर्च करते हैं। फिर फेरी वालों और खिलौने वालों से तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं और झूले झूलते हैं। गरज इस तरह पूरा दिन तफरीह और खुशी में गुजर जाता है। इसके गुजरने के बाद अगली ईद का इंतज़ार शुरू हो जाता है। इस तरह ईद पर हमारा यह मुख्तसिर सा मज़मून पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपने लाइक भी किया होगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम एग्ज़ाम्स रिलेटेड सारे नोट्स, सारी ज़रूरी चीज़ें हमारे चैनल पर वक्त वक्त पर अपलोड करते रहेंगे।